ये वाला डायग्राम देखकर उन्होंने पूछा है, हाउ मेनी लाइंस अदर देन दोज शोन इन द फिगर आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन ईच कॉर्नर विथ अनदर। मतलब ये आठ जो पॉइंट्स हैं इनको एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए कुल मिला के कितनी लाइंस चाहिए, ये जो पहले से दी हैं उसके अलावा कितनी लाइंस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक उसी के साथ जोड़ने के लिए एक चाहिए लाइन, ये दूसरी वाली, तीन, चार, पाँच। इसी प्रकार बी को एच के साथ जोड़ने के लिए, जी के साथ, कुल मिला के कितनी लाइंस चाहिए। तो इसके बदले आप पहले से उन्होंने एट लाइंस तो दे ही दी हैं, ठीक। तो आप ऐसा सोचिए कि एक भी लाइंस नहीं दी गई थी तो सिचुएशन क्या होती, कि पेपर पे कुल मिला के आठ पॉइंट्स हैं और इन सभी को एक दूसरे के साथ हमने जोड़ना है, तो कुल मिला के कितनी लाइंस चाहिए। इनमें से किसी भी, इन आठ पॉइंट्स में से किसी भी दो पॉइंट्स को आप चूज कर लीजिए तो एक लाइन बनेगी, तो कुल मिला के कितनी लाइंस बनेंगी, एट चूज टू, और उसमें से आठ लाइंस जो इन्होंने पहले से ही दे दी थी, ये वाली बार वाली, उनको हम माइनस कर देते हैं। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, एट एट सी टू का मतलब है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, मतलब 6 फैक्टोरियल माइनस 8। 8 फैक्टोरियल की जगह हम पे लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 टाइम्स 1, मतलब कि 2 मल्टीप्लाइड विथ 6 फैक्टोरियल, माइनस ये 8। 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, 2 टाइम्स 4 इज 8, तो मतलब 4 टाइम्स 7 28, माइनस 8, 28 माइनस 8 होगा 20। मतलब कि कुल मिला के हमें 20 लाइंस चाहिए सभी पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए। इस सवाल को इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि इस ऑक्टागोन में कुल मिला के कितने डायगोनल्स हैं, तो भी जवाब यही होगा और अप्रोच भी यही होगा। इसी अप्रोच को यूज करके दूसरा सवाल हम देखते हैं कि इस हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स हैं। डायगोनल का मतलब इन साइड्स के अलावा वाली वो लाइनें जो दो पॉइंट्स को जोड़ती हैं। फॉर एग्जांपल ये ए सी है, ए डी है, ई है, उसी प्रकार ये सी एफ है, डी एफ है, ऐसी कुल मिला के कितनी लाइन्स हैं। तो यहाँ भी हम वही सोचते हैं कि मान लीजिए ऐसे 6 पॉइंट थे, तो उनमें से किसी भी दो पॉइंट को चूज कर लें तो एक लाइन बनेगी, तो ऐसे कुल मिला के कितनी लाइन्स हैं, 6 चूज 2, और उसमें से ये 6 लाइंस बार वाली जो उन्होंने पहले से ही दे दी हैं उसे हम माइनस कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कुल मिला के इस हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स बनते हैं। बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 6 चूज 2 का मतलब है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2, मतलब 4 फैक्टोरियल माइनस 6। 6 फैक्टोरियल की जगह हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब होगा 2 और ये 4 फैक्टोरियल ऐसे ही कॉमन है, कैंसिल हो गए, 3 6 3 टाइम्स 5 15 माइनस 6, मतलब 9। इसका मतलब कि एक हेक्सागोन के अंदर 9 डायगोनल्स होते हैं। उसको बदल के वो ये पूछे कि इस फिगर में कितने लाइंस चाहिए सभी कॉर्नर को एक साथ जोड़ने, एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए, तो भी अप्रोच यही होगा और जवाब ये होगा, 9 लाइंस चाहिए।